भारत में क्या अब 20 दिन ही रुक पाएंगी शेख हसीना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वहीं चाइना के अंदर आई बौखलाहट, भारत के सबमरीन को देखकर क्या कहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 5 अगस्त 2024 दोपहर के करीब 1 बजे बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ कार में बैठकर पीएम आवास छोड़ देती है। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शाम करीब 5 बजे भारत के हिंडन एयरबेस पहुंचती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद भंग कर देते हैं। इसके बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होता है। हसीना के देश छोड़ने के 8 दिन बाद 13 अगस्त को उनके खिलाफ हत्या का पहला केस दर्ज होता है। इसके बाद एक एक करके हसीना पर 76 केस दर्ज किए गए, जिनमें 63 मामले सिर्फ हत्या से जुड़े हैं। 22 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम हसीना और उनके परिवार के लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए। इसके बाद से उनके भारत में रहने का समय सीमित हो गया। बांग्लादेशी मीडिया हाउस ढाका ट्रिब्यून ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं है तो वो सिर्फ 45 दिन तक यहाँ रह सकता है। शेख हसीना को भारत आए 25 दिन हो चुके हैं, ऐसे में कानूनी तौर पर वे सिर्फ 20 दिन तक भारत में रह सकती हैं। पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद हसीना पर बांग्लादेश प्रत्यर्पित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। हसीना को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए कम से कम बांग्लादेश की 2 जांच एजेंसियों से क्लियरेंस की जरूरत होगी। साल 2013 की बात है जब भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिपे रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक समझौता किया था, प्रत्यर्पण समझौता, और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच है। पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या, किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता है। इस समझौते के बदौलत बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेज चुका है। समझौते में 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी होता है। इससे हसीना के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हसीना एक राजनेता हैं और वे भारत में राजनीतिक शरण लेने का दावा कर सकती हैं। हालांकि हसीना पर हत्या, किडनैपिंग जैसे आरोप हैं जो कि समझौते के मुताबिक राजनीतिक प्रकृति के अपराध नहीं बताए जा सकते हैं। हसीना पर 13 अगस्त को एक किराना स्टोर के मालिक की हत्या का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी पुलिस की गोलीबारी में मृत्यु हुई है। इसके अलावा 2015 में एक वकील को गायब करने का मामला भी उन पर दर्ज है। इसके बाद हसीना पर हत्या, टॉर्चर करने, नरसंहार करने के कई आरोप लगाए गए हैं। इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर सकता है। वो कह सकता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। प्रत्यर्पण समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए कई आधार दिए गए हैं। ऐसे मामले जिनमें आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो, या फिर ये सैन्य अपराधों से जुड़े हों, या सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 7 के मुताबिक कोई देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर कर सकता है। इसके बदले वो अपने देश में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर सकता है। हालांकि इससे भारत के बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस मामले में क्या करना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों पर, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। साथ ही उसे पुरानी मित्र और सहयोगी शेख हसीना के साथ खड़ा भी दिखना होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक पूर्व अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हसीना को बांग्लादेश को सौंपने में हमारा हित नहीं है। दोनों पक्षों के पास वकील हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपना पक्ष रख सकते हैं।
इस वजह से संधि की कानूनी बातें मायने नहीं करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में संतुलन की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। अवामी लीग की जड़ें बहुत गहरी है, ये फिर से उभरेंगी। वहाँ का प्रशासन और सेना भारत के साथ संबंधों को महत्व देता है। बांग्लादेश भारत से गिरा हुआ है, दोनों देशों के बीच पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध है। वहीं एक पूर्व डिप्लोमेट ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार है, उसके बयानों से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत भविष्य में बांग्लादेश में आने वाले अस्थायी सरकार के साथ रिश्तों पर फोकस करेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब तक शेख हसीना पर सिर्फ FIR हुआ है। अभी मामलों की तहकीकात होगी, चार्जशीट की फाइल की जाएगी, उसके बाद कोर्ट प्रत्यर्पण को लेकर कोई फैसला करेगा। ऐसे में फिलहाल इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी समय लग सकता है। जहाँ ये एक मामला चल रहा है तो वहीं अचानक से चाइना को डर क्यों लगने लगा है? भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी INS अरिघात को कमीशन कर दिया है। ये पनडुब्बी K-15 परमाणु मिसाइल से लैस है जो 750 किलोमीटर तक मार कर सके। भारत बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके में अगर इस मिसाइल को दागता है तो चीन के यूनान प्रांत और तिब्बत को तबाह कर सकता है। यही नहीं, आगे चलकर इस सबमरीन में 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल को भी फिट किया जा सकता है। भारत की इस पनडुब्बी को देख चीन टेंशन में आ गया है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से इस मिसाइल पनडुब्बी को लेकर भारत को ज्ञान दिया तो भारतीय विशेषज्ञ ने उसे करारा जवाब देकर मुंह बंद कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा, चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सख्ती प्रदर्शन करने के बजाय इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए और शांति और स्थिरता में योगदान देना चाहिए। बीजिंग के सैन्य एक्सपर्ट ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि ज्यादा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल पनडुब्बी से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही इस तरह की ताकत रखने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद है, इनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, न कि शक्ति प्रदर्शन और न ही परमाणु ब्लैकमेलिंग के लिए। चीनी सैन्य एक्सपर्ट ने इस बयान पर भारतीय विशेषज्ञ ने करारा जवाब दिया। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंबल सिंबल ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि चीन के पास 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 6 परमाणु अटैक सबमरीन मौजूद है। आज के दिन में निश्चित रूप से चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है और वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है, बस दोस्तों के बंदरगाहों पर जाता है। चीन कितना बड़ा पाखंड करता है। चीन ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों को अक्सर अपनी नौसेना भेजकर डराता है, धमकाता रहता है। इसके बाद भी चीनी सरकार और चीनी सरकारी अखबार भारत को ज्ञान दे रहा है। चीन ने परमाणु हथियारों का विशाल जखीरा बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन की कोशिशें हैं कि 1000 परमाणु बम बनाए जाएं ताकि भारत से लेकर अमेरिका तक को टक्कर दी जा सके। चीन अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों का पूरा जखीरा बना चुका है जो अमेरिका तक तबाही की क्षमता रखता है। चीन ने अमेरिका के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए मिसाइलें बना ली है। चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या को भी बढ़ा रहा है। इतनी ताकत जमा कर रहा है चीन और भारत को ज्ञान दे रहा है। भारतीय पनडुब्बी की बात करें तो 6000 टन की है। अरिघात के आने से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में काफी इजाफा होगा। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को टक्कर दे सकेगा। यही वजह है कि चीन और उसका सरकारी मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत लगातार उस दिशा में बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।